कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो हम सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकते हैं। याद रखिए, मैंने 10 दिन में कर्जा माफ करके वादा किया था और उसे पूरा किया। 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि कांग्रेस पार्टी 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। शौक मत होना, धमाका होने जा रहा है। 1 अप्रैल में 20% परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाल दिए जाएंगे। हम सबसे गरीब लोगों की पहचान कर उन्हें गरीबी से हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं। मनरेगा से 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। किसानों को 3 रुपए हर दिन पीएम मोदी ने दिए हैं। हम आपको न्याय देने जा रहे हैं। 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपए देने जा रहे हैं। 5 करोड़ फैमिली, 25 करोड़ आबादी को डायरेक्ट सीधा फायदा। हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, युवा, जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए